हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रतिभा टेक चैनल में। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि गूगल एडसेंस में आइडेंटिटी वेरीफाई कैसे करें, हाउ टू वेरीफाई गूगल एडसेंस अकाउंट। गाइस, बहुत लोग अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनका गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं होता है। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाली हूँ, जिससे आप बस एक मिनट में अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं, अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं गूगल क्रोम को ओपन करती हूँ। गाइस, मैं लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ, आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। तो गूगल क्रोम पे आते ही मैंने यहाँ एडसेंस सर्च मारा। सर्च करते ही गाइस, सबसे पहला वाला लिंक ही आपको गूगल एडसेंस का शो होगा। यहाँ लिखा है एडसेंस अर्न मनी फ्रॉम वेबसाइट मोनेटाइजेशन, इस पर क्लिक करेंगे। गाइस, आप उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करें जिस ईमेल आईडी से आपने अपना चैनल क्रिएट किया है, या आप अपने वेबसाइट के लिए गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट किए हैं। ओके, तो साइन इन पर क्लिक करते ही गाइस, आपके सामने मेरा ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा। सबसे ऊपर ही देखिए, रेड पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, योर पेमेंट आर करेंटली ऑन होल्ड, एक्शन इज रिक्वायर्ड टू रिसीव पेमेंट। ओके, तो हम एक्शन पर क्लिक कर देते हैं। एक्शन पर क्लिक करते हैं गाइस, देखिए आपको रेड कलर का शो हो रहा है वेरीफाई योर आइडेंटिटी। ओके, और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है वेरीफाई नाउ। ओके गाइस, वेरीफाई नाउ पर क्लिक करने से पहले मैं आपको ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। इसी की वजह से लोगों का गूगल एडसेंस वेरीफाई नहीं होता है। वह मिस्टेक यह करते हैं गाइस कि जो आधार कार्ड, जो आपके पैन कार्ड में नाम होता है, वो नाम अलग होता है और आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में नाम अलग होता है। तो गाइस, आप सबसे पहले चेक कर लें कि आपने गूगल एडसेंस में अपना नाम वही डाला है जो आपके आईडी में है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी। यदि यहाँ चेक करने के बाद गाइस, अगर आपके आईडी प्रूफ में अलग नाम है, तो आप यहाँ से मैनेज सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ नाम चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो अभी हम वेरीफाई नाउ पर क्लिक कर देते हैं। वेरीफाई नाउ पर क्लिक करते ही गाइस, आपके सामने ऐसा पॉपअप ओपन हो जाएगा, एन आईडी वेरीफाई दैट्स रियली यू, मतलब आप भी अपना ही डालें, किसी और का ना डालें। ओके, पासपोर्ट डाल सकते हैं, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ आधार कार्ड नहीं है। ओके, बिंग वेरिफिकेशन, इस पर क्लिक कर देंगे। बिंग वेरिफिकेशन क्लिक पे क्लिक करने के बाद गाइस, देखिए यहाँ आपको लीगल नेम, लीगल नेम मतलब आपके जो पैन कार्ड में, ड्राइविंग लाइसेंस में, पासपोर्ट में है, वही नाम यहाँ आपको डालना है। ओके, नाम डालने के बाद गाइस, यहाँ देखिए मैंने अपना नाम डाल लिया है जो मेरे पैन कार्ड में है। फिर नीचे देखिए अपलोड पर क्लिक करूंगी, मैं पैन कार्ड को ही यहाँ अपलोड करूंगी। देखिए मेरा पैन कार्ड अपलोड हो गया गाइस। अभी मैं सबमिशन पे क्लिक करूंगी, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते गाइस, यहाँ आपके सारे डिटेल आ जाएंगे, आपके एड्रेस आ जाएंगे। मैंने एड्रेस डाला हुआ था, ये ऑटोमेटिक ले लिया है, आप भी डाले होंगे, आपका भी ले लेगा। आप इसको डबल चेक कर ले, क्योंकि इसी एड्रेस पर आपका पिन आएगा गाइस। तो यहाँ मैंने जूम इन कर दिया है, क्योंकि मुझे सबमिट का बटन दिखाई नहीं दे रहा था, तो आप भी कर सकते हैं यदि नहीं दिखाई दे तो। मैंने एड्रेस चेक कर लिया, अब मैं सबमिट पर क्लिक कर देती हूँ। सबमिट पर क्लिक करते गाइस, देखिए वेरिफिकेशन इन प्रोसेस। ओके, थैंक यू फॉर सबमिटिंग। तो गाइस देखिए, बहुत ही आसानी से मैंने अपना गूगल एडसेंस अकाउंट वेरीफाई कर लिया, आनी पड़ेगी। तो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली।